किसी एक इंडिविजुअल सेल की ग्रोथ की बात करें इट इज रिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ द होल प्लांट मे बी इंक्रीज इन साइज ऑफ द ऑर्गेन और इंक्रीज इन द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म और मे बी अ इंडिविजुअल सेल व्हेन देयर इज इन Irreversible permanent increase takes place, then we called it as growth. Other aspect of growth it includes both catabolic as well as anabolic process. We are talking here about growth of the plant, unique property in case of plant, there is indeterminate growth takes place that is it is open form of growth unlimited growth takes place throughout their life if the plant is alive then growth continues why this happen in case of plant because of the presence of meristematic tissue meristematic tissue are present in the root apex as well as शूट एपेक्स रूट एपेक्स एज वेल एज शूट एपेक्स फॉर मैरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है थ्री टाइप्स ऑफ मैरिस्टेमेटिक टिश्यू आप लोगों ने पढ़ा है एपिकल मैरिस्टम इंटर कैलरी मैरिस्टम एंड लिटल मैरिस्टम एपिकल मैरिस्टम कहा प्रेजेंट होता है एपेक्स ऑफ द रूट एपेक्स ऑफ द शूट दैट इज एपिकल मैरिस्टम इंटर कैलरी मैरिस्टम कहा प्रेजेंट होता है अब दी नोड्स जो इंटर नोट्स की लेंथ को इंक्रीज करता है तो बोथ एपिकल मेरिस्टम एंड इंटरकैर मैरिस्टम क्या करते हैं ये प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करने में रोल प्ले करते हैं इसको हम प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं इसके अलावा लेटरल मैरिस्टम है लेटरल मैरिस्टम की फॉर्म में कैम्बियम और कॉर कैम्बियम प्रेजेंट होते हैं जो प्राइमरी ग्रोथ कंप्लीट हो जाने के बाद एक्टिवेट होते हैं और ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है वट यू मीन बाई सेकेंडरी ग्रोथ तब कैम्बियम और कॉरकैम्बियम एक्टिव होकर प्लांट ऑर्गेन की गर्थ को इंक्रीज करते हैं जैसे डाइकॉट प्लांट की केस में कैम्बियम प्रेजेंट होते हैं तो वहां सेकेंडी ग्रोथ देखने को मिलती है और इसके साथ साथ कॉर कैम्बियम है जो सेकेंडरी ग्रोथ या प्लांट ऑर्गेन की, की गर्थ को डायमीटर को करने में रोल प्ले करता है नाउ द क्वेश्चन हाउ ग्रोथ मेजरेबल किस तरह से हम ग्रोथ को मेजर करें ग्रोथ को मेजर करने के वेरियस पैरामीटर्स हैं। हम किसी प्लांट ऑर्गेन की अगर हमें ग्रोथ देखनी है तो उसके फ्रेश वेट को मेजर कर सकते हैं कि अभी उसका वेट कितना है और कुछ टाइम के बाद उसका वेट कितना है इसके अलावा हम ड्राइव रेट को भी मेज़र करते हैं उसको डिहाइड्रेट कर देते हैं उसके बाद उसका वेट लेते हैं या हम लेंथ प्लांट ऑर्गेन की मेज़र कर लेते हैं या प्लांट की लेंथ को मेज़र कर लेते हैं जैसे पॉलन ट्यूब के केस में लेंथ को मेज़र किया जाता है इसके अलावा लीफ के केस में एरिया मेज़र किया जाता है कि कितना एक्सपेंशन लीफ के एरिया में हुआ है या हम सेल का नंबर काउंट कर सकते हैं कितनी और ज़्यादा सेल्स इसमें ऐड हुई हैं तो इस तरह से हम ग्रोथ को मेज़र कर सकते हैं ग्रोथ को मेज़र हम प्रोटोप्लाज्म के अमाउंट में कितना इंक्रीज़ हुआ इससे भी कर सकते हैं बट इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क कि हम प्रोटोप्लाज्म को मेज़र कर सकें इसलिए ये वेरियस मीटर पैरामीटर को हम यूज़ करते हैं फ्रेश वेट की हेल्प से ड्राई वेट की हेल्प से लेंथ को मेज़र कर लेते हैं एरिया या वॉल्यूम को देख लेते हैं कि कितना इंक्रीज हुआ है या सेल के नंबर को इंक्रीज कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि कितनी ग्रोथ हुई है नाउ वी डिस्कस द फेजिज ऑफ ग्रोथ फेजिज ऑफ ग्रोथ आर डिवाइडेड इंटू थ्री द फर्स्ट फेज इज फेज ऑफ सेल डिविजन सेकेंड फेज इज फेज़ ऑफ सेल एनलार्जमेंट एंड थर्ड फेज इज फेज ऑफ सेल डिफरेंशिएशन और सेल मैचुरेशन फेज फेज ऑफ सेल डिजन इज द फॉर्मेटिव फेज हमने रूट केस में डिफरेंट जोन की स्टडी की थी फर्स्ट जोन रूट टिप पर जो प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज द मैरिस्टेमैटिक जोन मैरिस्टेमैटिक जोन मेरिस्टेमेटिक जोन में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड एंड रीडिवाइड करते हैं और न्यू सेल्स इसमें ऐड होती चली जाती हैं तो सेल डिवीजन होता है सेल डिवीजन में न्यूक्लियस डिवाइड करता है न्यूक्लियस डिवाइड करने के बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है माइटोसिस सेल डिवीजन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए होते हैं तो इट इज द फर्स्ट स्टेप फॉर ग्रोथ ऑफ द मल्टी सेलुलर एज वेल एज यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म सॉरी इन केस ऑफ मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ माइटोसिस डिवीजन से होता है न्यू सेल्स एड होती चली जाती है पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है और उसके बाद जो है साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है न्यूक्लियस के डिवीज़न को हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं और साइटोप्लाज्म के डिवीजन को हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं तो इस फेज में सेल डिवाइड एंड री डिवाइड करेंगी माइटोसिस की डिफरेंट फेजेस भी हमने स्टडी करी हैं प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज एंड टीलोफेज जिसमें सेल का कंप्लीट डिवीजन हो जाता है और एक सेल से दो सेल चार सेल आठ सेल ऐसे बनती चली जाती हैं तो फर्स्ट फेज इज द फेज ऑफ सेल डिवीजन इसके बाद आता है फेज ऑफ एनलार्जमेंट और इलोंगेशन जोन अगर हम रूट के केस में देखें तो मेरिस्टमेटिक जोन में सेल्स डिवाइड करती हैं उसके बाद इलोंगेशन जोन आता है तो सेकेंड फेज जो ग्रोथ में आती है दैट इज फेज ऑफ सेल एनलार्जमेंट लार्जमेंट विच इंक्लूड्स सिंथेसिस ऑफ मोर अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म सेल जब डिवीजन होता है तो सेल का साइज रिड्यूस हो जाता है उसके बाद एनलार्जमेंट स्टार्ट होती है प्रोटोप्लाज्म सिंथेसिस होता है सेल वॉल की सेकेंडरी सेल वॉल की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है Vecals का साइज इंक्रीज कर जाता है मोस्ट इंपोर्टेंट एनलार्जमेंट फेज में क्या होता है वैक्यूल का साइज इंक्रीज होता है और सेल का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है प्रोटोप्लाज्म का इंक्रीज होना वैक्यूल्स का साइज इंक्रीज होना और सेकेंडरी सेल वॉल की फॉर्मेशन भी इसी फेज में स्टार्ट हो जाती है तो दिस इज द एनलार्जमेंट फेज विच इज द सेकेंड फेज ऑफ द ग्रोथ आफ्टर सेल डिवीजन सेल एनलार्जमेंट टेक्स प्लेस थर्ड फेज अगर हम रूट के केस में देखें तो ये मैचुरेशन जोन है मैचुरेशन जोन या हम इसको डिफरेंशिएशन जोन भी बोलते हैं मैचुरेशन जोन या डिफ्रेंशिएशन जोन में क्या होगा सेल का शेप और साइज चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू देयर पोजिशन इट बिकम्स मेच्योर एंड इट इज रेडी टू परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शन कुछ सेल्स अगर हम प्लांट की आउटर कवरिंग देख रहे हैं तो एपिडामिस में चेंज हो जाएंगी एपिडामिस सेल के बाद यहाँ पर कॉर्टेक्स जोन बन जाएगा सेंटर में वेस्कुलर टिश्यूज जाइलम और फ्लोएम बन जाएंगे तो मैचुरेशन फेज में अकॉर्डिंग टू द पोजिशन ऑफ द सेल सेल की शेप और साइज अकॉर्डिंग टू द पोजिशन चेंज हो जाती है एंड नाउ द सेल इज रेडी टू परफॉर्म देयर फंक्शन दिस इज नोन एज द मैचुरेशन फेज तो देर आर थ्री फेजिज ऑफ ग्रोथ पहले सेल डिवाइड करती है फिर उसका साइज इंक्रीज होता है और उसके बाद वो मैच्योर होकर स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए रेडी हो जाती है दिस इज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द ग्रोथ रेट थैंक यू सो मच